बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारकली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेके आए एक मज़ेदार सी रेसिपी, और आज हम बनाएंगे मुख्तलिफ फलों के मिल्क शेक, और वो भी होममेड हैंडमेड किस्म के, जो कि आप बनता हुआ अभी देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप उसे ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर पिएँ। तो आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सा मिल्क शेक जो है वो बना रहे हैं और किस तरह बनेगा, चलिए देखते हैं। आज के मिल्क शेक के लिए हमने फ्रूट लिए हैं खुबानी, आम, स्ट्रॉबेरी, केला, आड़ू और सेब। तो मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं शुगर सिरप। बिस्मिल्लाह। चीनी को हमने पानी में हल कर लिया और अभी चलते हैं अगले मरहले की तरफ। अभी हम ग्लास में डाल लेते हैं फ्रूट काट के। सबसे पहले हम काट लेंगे आम को। आम को काटने से पहले छील लेंगे। बिस्मिल्लाह। आम हमने काट लिए, अभी काट लेंगे स्ट्रॉबेरी। बिस्मिल्लाह। स्ट्रॉबेरी भी काट ली जितनी हमें चाहिए थी, अभी काट लेंगे सेब, और सेब को भी काटने से पहले छील लेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी सेब काट के ग्लास में डाल लेते हैं। सेब काट लिए, इस गिलास को भी रखते हैं साइड पे, और अभी इस गिलास में डाल लेते हैं केले। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। केला भी कट गया, और अगले गिलास में काट के डालेंगे हम आड़ू। आड़ू को भी पहले छील लेंगे। बिस्मिल्लाह। आड़ू भी कट गए, और अगले गिलास में अभी हम डाल लेंगे खुबानी। खुबानी को इस तरह खोल लेंगे और इसमें से गुठली जो है वो निकाल लेंगे। इस खुबानी जो है माशाल्लाह काफ़ी नरम है, और कोशिश कीजिएगा कि मिल्क शेक के लिए जो है खुबानी वो नरम ही लें, ताकि ग्राइंड जो है वो अच्छी तरह हो जाए। तो माशाल्लाह फ्रूट हमारे सारे कट गए हैं। तो हम फ्रूट को काटने के बाद अभी इन्हें ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड हम कुछ इस तरह करेंगे। कोई भी घर में जो चम्मच वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी डंडी से जो है उन्हें ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ग्लास के अंदर ही हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। केले को हमने मैश कर लिए, अभी स्ट्रॉबेरी को मैश कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी के बाद अभी हम मैश कर लेंगे खुबानी को। खुबानी भी मैश हो गई है। अभी हम मैश कर लेंगे आम को। तो माशाल्लाह आम भी हमारा ज़बरदस्त मैश हो गया। और अभी मैश कर लेते हैं आड़ू को। बिस्मिल्लाह। आड़ू भी हो गया, और अभी हम चलते हैं सेब की तरफ। बिस्मिल्लाह। तमाम फ्रूट जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मैश हो रहे हैं, और इनको हाथ के साथ मैश करते हुए भी आपका दिल जो है वो चाहेगा कि जल्दी जल्दी जो है वो मिल्क शेक तैयार हो और इसे पिएं। और जो इर्द गिर्द आपको देख रहे होंगे उनका भी बहुत ही ज़्यादा जी ललचा रहा होगा कि जल्दी जल्दी शेक जो है वो तैयार हों और उनको गटागट पी जाएँ। तमाम फलों को हमने ग्लास के अंदर ही मैश कर लिया, और अभी चलते हैं अगले मरहले की तरफ। और अभी तमाम ग्लासों में जायके के मुताबिक हम चीनी का शरबत जो है वो डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह।
चीनी को भी हल कर लिया और अभी हम ग्लासों में डाल लेते हैं दूध। बिस्मिल्लाह। दूध डालने के बाद फिर से चम्मच की मदद से हिला लेंगे एक दफ़ा। और अभी हम मिल्क शेक में डाल लेते हैं बर्फ़। बर्फ़ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप ठंडा करना चाहें उतनी डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दो दो क्यूब जो हैं वो इसमें डाल रहे हैं। तो माशाल्लाह ये थे हमारे मुख्तलिफ फलों के होममेड हैंडमेड मिल्क शेक। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।